हेलो गाइस, आज मैं कुछ सम सॉल्व करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये सम से कुछ हेल्प मिलती है तो इस हेल्प ले लेना। तो आते हैं अभी सम्स की तरफ। तो पहला सम जो हम सॉल्व करते हैं वो है फर्स्ट विच इज ग्रेटर देन फोर्थ। ऑप्शन है ए 5, बी -5, सी -1/2 और डी -25। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन 4, विच इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा क्या है? 4 के बाद क्या आता है? 5। तो आंसर है 5। अब आते हैं दूसरे सम की तरफ। विच इज द स्मॉलेस्ट। ऑप्शन है -1, बी -1/2, सी 0 और डी 3। तो स्मॉलेस्ट सब में छोटा कौन सा है? -1 या -1/2, 0 या 3? तो सब में छोटा कौन सा होता है? -1। ये -1 क्यों होता है? क्योंकि 1, 2, 3, 4 वजह से स्टार्ट होता है। -1, -2, -3। तो 0 से पहले जो होता है ना वो स्मॉलेस्ट होता है, और 0 के बाद जो होता है वो बिगेस्ट होता है। तो स्मॉलेस्ट इसमें से -1। तो आंसर है -1। अब आते हैं थर्ड सम की तरफ। कंबाइन टर्म 12a प्लस 26b -4b -16a। तो ऑप्शन तो इसके चार हैं। पहला ऑप्शन है 4a प्लस 22b, बी -28a प्लस 30b, सी -4a प्लस 22b और डी ऑप्शन है 28a प्लस 30b। अभी इसका पता कैसे लगाना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या इक्वेशन? 12a प्लस 26b -4b -16a। तो पहले क्या करते हैं, ए ए को साथ में लिखते हैं और बी बी को साथ में लिखते हैं। 12a सॉरी 16 से पहले क्या है? माइनस। तो -16a, फिर प्लस 26b -4b। तो साइन में कंफ्यूज नहीं होना, जो नंबर से पहले जो साइन होती है तो नंबर की साइन होती है तो उससे बराबर ऑफ पे लगा देना। तो ये माइनस है। तो इक्वेशन क्या हुई? 16 में से 12 जाएगा तो -4 है और ये साइन प्लस, वैसी की वैसी क्योंकि बिगेस्ट नंबर की साइन देखा जाएगा। ये कैलकुलेशन करेंगे तो 76 बड़ा 4 से, तो साइन इसकी लेंगे लेकिन ये माइनस होगा। माइनस प्लस माइनस, 26 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 22b। तो अभी देखना है कि ये ऊपर कौन सा है, ये तो राइट है, ये इसका आंसर है 22b। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपके लिए यूज़फुल है तो ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और फिर से किसी ऐसी सम के साथ फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए थैंक यू।